हेलो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट फोर वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फोर वीडियो में प्रश्नवली सेवन ए पे है और क्वेश्चन नंबर है एलेवन कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये तीन बिंदु दिए गए हैं एक समिबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष शीर्षक तो मुझे यहाँ पे समिबाहू दिखाने के लिए मुझे कोई भी दो भुजा बराबर दिखानी होगी और समकोण दिखाने के लिए बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए तभी ना होगा जी तो हमें सम्धिवाहू भी दिखाना है और समकोण भी दिखाना है तभी आपका त्रिभुज सम्दिहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा तो मैं यहाँ मान लेता हूँ ए जिसका निर्देशांक है माइनस दो कॉमा पांच बी जिसका निर्देशांक तीन कॉमा माइनस चार तथा सी तथा सी C, जिसका निर्देशांक है सेवन कॉमा टेन ये क्या है तीन बिंदु है तीन बिंदुए हैं ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं चलिए तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ए करते हैं जी चलिए तो अब एक एक करके ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंडर थ्री माइनस माइनस टू तो प्लस हो जाएगा और माइनस फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर चलिए सॉल्व करते हैं यहां पे कितना आ जाएगा पांच का स्क्वायर और यहां पर माइनस नौ का स्क्वायर ठीक है तो पांच का स्क्वायर पच्चीस और माइनस नौ का स्क्वायर प्लस का इक्यासी दोनों को जोड़ देते हैं तो पांच एक छ पांच और एक छ हो जाएगा और आठ और दो दस हो जाएगा एक सौ छ आ जाएगा ठीक है चलिए अब बी सी निकालते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा सेवन माइनस थ्री क्या होल स्क्वायर और प्लस में टेन माइनस माइनस फोर तो प्लस हो जाएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा फोर का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा फोर्टीन का स्क्वायर तो चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा सोलह और फोर्टीन का स्क्वायर वन सिक्स इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर दो सौ बारह ठीक है चलिए इतना ही छोड़ दो या फिर आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो दो गुना दो गुना फिफ्टी थ्री देख लो क्या हो जाएगा दो दुना चार चार में आपको तिरपन से गुना करना होता चार तीन बारह दो एक और चार पचे बीस एक यही जगह ना जी चलिए तो यहाँ पेयर बन गया दो रूट तिरपन हो जाएगा ठीक है इकाई यहाँ लगा सकते हैं या मात्रक यहाँ भी इकाई चलिए अब बात करते हैं ए सी की तो रूट अंडर हो जाएगा ए और सी के देखो क्या हो जाएगा सेवन माइनस माइनस दो यानी प्लस टू हो जाएगा और आपका टेन माइनस फाइव क्या हो गया स्क्वायर यहाँ नाइन का स्क्वायर यहाँ पर फाइव का स्क्वायर आपका आ जाएगा इक्यासी और पाँच का स्क्वायर पच्चीस दोनों को जोड़ेंगे रूट अंडर एक सौ छः क्या तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका ए बी जो है ना ए सी के बराबर हो गया तो दो बुजाएँ बराबर हो गई तो यहाँ ये क्या हो गया समिभा हो गया अच्छा समकोण दिखाने के लिए मैं देख रहा हूं कि बीसी का जो वर्ग करेंगे किसके बराबर बराबर हो जाएगा A, के 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 वर्ग 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 और प्लस A, के वर्ग के वर्ग के वर्ग के वर्ग. देख लो इसका वर्ग करेंगे, इसका करेंगे करेंगे तो आपका 212 आ जाएगा वर्ग करके जोड़ेंगे तो और यहां पे भी अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 212 ही होगा तो हमने देख रहे हैं बीसी का स्क्वायर किसके बराबर है एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इसलिए बड़ी जो भुजा होती है उसके सामने वाला कोण समकोण है इसके सामने नाइनटी डिग्री का हो गया अतः क्या सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समी समकोण त्रिभुज है समी समकोण त्रिभुज है ठीक है समझ गए क्वेश्चन तो नंबर बारह देखिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के देखिए बिंदु दिए गए चार चार बिंदु इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है यदि कोई है तो अगर वो चतुर्भुज है तो उसका वो किस टाइप का चतुर्भुज है ये बताना है तो। और अपने उत्तर के, के लिए कारण भी दीजिए चलिए देख लेते हैं तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के मैंने प्रकार आपको बता रखे थे पार्ट वन वीडियो में कि वर्ग होगा तो क्या उसके लिए कंडीशन आए थे तो क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या होगा दूरी सूत्र के आधार पर मैंने बता रखा है चलिए मैं यहाँ पे मान लेता तो हूँ पहले नंबर में कि माना ए जिसका निर्देशांक माइनस एक कोमा माइनस दो बी निष्का निर्देश एक जीरो सी जिसका निर्देशांक माइनस एक कोमा दो और डी और डी जिसका निर्देशांक माइनस तीन कोमा जीरो हमारे पास क्या है चार बिंदु हैं चार बिंदु हैं ठीक है अब देखिए हम लोग यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और सभी भुजाओं की लंबाई और विकर्ण की भी लंबाई निकालेंगे रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वक्त करता हूं माइनस माइनस तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा और फिर आपका प्लस जीरो माइनस माइनस टू तो यानी प्लस टू हो जाएगा अंदर यहां पे आ जाएगा दो का स्क्वायर यहाँ भी दो का स्क्वायर तो चार प्लस चार यानी कि रूट आठ रूट आठ का मतलब हुआ दो रूट दो इकाई ठीक है बी सी निकालते हैं वो तो हो जाएगा माइनस एक माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर यहाँ भी वही आ जाएगा चार प्लस चार यानी रूट आठ हो गया यानी दो रूट दो इकाई चलिए अब हम लोग क्या निकालते है? हैं सी डी निकालते सही भुजा को निकालते हैं तो माइनस तीन माइनस माइनस एक यानी प्लस हो जाएगा यहाँ और आपका जीरो माइनस दो का स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर प्लस में माइनस दो का स्क्वायर यहां भी चार और यहां भी चार रूट आठ यानी कि दो रूट दो चलिए अब निकालते हैं ए डी, -डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस तीन माइनस माइनस एक यानी प्लस हो जाएगा प्लस जीरो माइनस माइनस दो माइनस दो का स्क्वायर और प्लस दो का स्क्वायर चार प्लस चार यानी कि रूट आठ यानी हो जाएगा दो रूट दो इकाई ठीक है तो चारों भुजा बराबर आ गई अब चलिए विकर्ण निकाल के देखते हैं विकर्ण ए निकालते पहले ए सी ये रहा तो क्या हो जाएगा माइनस एक माइनस माइनस एक यानी प्लस हो जाएगा और दो माइनस माइनस यानी प्लस दो हो जाएगा तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर और प्लस में चार का स्क्वायर तो चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा यहां पे जीरो का स्क्वायर जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार आ जाएगा चार इका अच्छा ए सी निकाल दिया अब हम लोग निकालते हैं बी डी दूसरा वाला बिकर निकालते हैं अगर आप बी डी निकालोगे बी और डी ये रहा तो माइनस तीन माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो वही रूट अंडर माइनस चार का स्क्वायर और प्लस में जीरो का स्क्वायर तो ये आपका रूट सोलह आ गया यानी कि चार गई हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण भी, भी बराबर हो जाएगा हम देख रहे हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज बनना है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा ना यही अगर विकर्ण बराबर नहीं होता केवल चारों बराबर होता तो वो समचतुर्भुज हो जाता समझे ना चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं यहां पर भी हम मान लेते हैं कि माना, A ए जिसका इंसान है माइनस तीन को बी जिसका इंसान है तीन को एक सी जिसका इंसान है जीरो को तीन और डी जिसका निर्देशांक है माइनस एक चार चार बिंदु हैं आप ये सोचो कि सर एक चतुर्भुज बना लेते देखो चतुर्भुज इसलिए नहीं बना रहे हैं कि यहाँ पे देखो पहले ही क्या रहा है कि यदि कोई है मतलब अगर वो चतुर्भुज बन रहा है तो तो हो सकता है कि वो कोई चतुर्भुज ना भी बने तो इसीलिए मैं कोई चतुर्भुज नहीं बना रहा और बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा आयत बनाऊंगा वर्ग बनाऊंगा कुछ तो पहले से नहीं पता है ना इसलिए मैं कोई भी फिगर नहीं बनाऊंगा मैं मान लेता हूँ कि चार आपके पास बिंदु दिखेंगे चलिए अब दूरी सूत्र लिखते हैं दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यही ना है जी चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र निकाल के एक एक करके सबको निकालते हैं पहले ये भी चलता है रूट अंडर थ्री माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर अंदर आ जाएगा आपका छ का स्क्वायर और यहाँ माइनस चार का स्क्वायर छ का स्क्वायर छत्तीस माइनस चार का स्क्वायर सोलह तो यहां पर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बावन आ जाएगा ना जी देख लीजिए छह दुना बारह तीन एक चार एक पांच तो इसे आप तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा दो गुना दो गुना, गुना तेरह देखो क्या हो जाएगा दो दुना चार और चार में तेरह से गुना तेरे चौका बावन आ जाएगा ना तो पेयर बन गया दो रूट तेरह ठीक है थीके? यहाँ देख रहे हैं ना चलिए अब हम लोग बी निकालते हैं तो बी निकालेंगे तो जीरो माइनस तीन का होल स्क्वायर और प्लस में तीन माइनस एक का होल स्क्वायर चलिए देखते हैं ये माइनस तीन का स्क्वायर यानी नाइन में डायरेक्ट लिख सकता हूं या फिर चलो ना पहले लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं माइनस तीन का स्क्वायर और प्लस में दो का स्क्वायर नाइन और प्लस में फोर रूट तेरह इका ठीक है अच्छा सी डी निकालते हैं सी डी निकालते हैं तो सी डी निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे माइनस एक माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस माइनस चार माइनस तीन का होल स्क्वायर ठीक है तो हो जाएगा यहाँ माइनस एक का स्क्वायर और प्लस में माइनस सात का स्क्वायर और एक प्लस में यहां पे उनचास यानी कि रूट पचास अब इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका दो गुना पांच गुना पांच बचा पच्चीस पच्चीस गुना पचास यानी कि पांच रूट दो निकाई ठीक है अच्छा अब एडी निकालते हैं एडी निकालते हैं ए और डी ये रहा तो माइनस एक माइनस माइनस तो है माइनस तीन है तो प्लस हो जाएगा अच्छा, माइनस चार माइनस पांच का यहाँ हो जाएगा दो का स्क्वायर और यहां पर माइनस नौ का स्क्वायर ठीक है चलिए तो पे चार और प्लस में इक्यासी रूट पचासी ठीक है ना हो जाएगा चलिए इतना ही क्या ही हो गया अच्छा अब देख रहे हैं हम यहां पर कोई भी भुजा किसी भुजा के बराबर तो हो नहीं चलिए विकर्ण भी देख लेते हैं ठीक है ऐसे चतुर्भुज तो बनेगा कि नहीं बनेगा पहले कन्फर्म हो लेना ये तो भुजाएं एक दूसरे के किसी भी बराबर नहीं है कोई किसी भुजा के बराबर नहीं है लेकिन पहले देख लेते हैं विकर्ण निकालकर ए सी हो जाएगा आपका जीरो माइनस माइनस तीन यानी प्लस हो जाएगा देख रहे ना जीरो माइनस माइनस तीन यानी प्लस तीन और फिर आपका तीन माइनस पांच का स्क्वायर तो यहां, देखो। यहां पर नाइन या फिर पहले तीन का ही स्क्वायर लिखते हैं अगले स्टेप में लिखा जाएगा और यहां माइनस दो का स्क्वायर तो यहां नौ और प्लस में चार तो रूट तेरा हो जाएगा देखिए अब बीडी निकालो बी डी निकालने की वैसे जरूरत नहीं है मैं, मुझे यहीं से पता चल गया कि मैं देख रहा हूं ए बी और बी सी का योग ए बी और देख लो यहां पर ए बी और बी सी का योग बड़ा हो जा रहा है एसी के एसी से ये तो ठीक है लेकिन हम देख रहे हैं कि ए बी जो है ना बराबर हो जा रहा है बी सी प्लस ए सी के बराबर बीसी और ए के योग के बराबर कौन है ए बी हो है। तो आप सोचो अगर यह कोई चतुर्भुज हो ध्यान से देखिएगा तो अगर मैं इस विकर्ण को मिला दूं तो हम देख रहे हैं कि आपका ए बी सी एक त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज के अंदर किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो यहां तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन यहां पर देखो नहीं हो रहा है यानी कहने का मतलब कि यहां बी सी और एसी का जो योग है बड़ा नहीं है ए बी से देख लो बीसी रूट तेरा है और आपका ए ए सी रूट तेरह है तो दोनों को जोड़ेंगे तो दो रूट तेरह होगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा बड़ा नहीं ना है तो त्रिभुज के दो भुजा का योग दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए ना जो कि यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बराबर हो जा रहा है देख रहे ना सी का और एसी का योग इसके बराबर हो जा रहा है जो कि पॉसिबल है ही नहीं जो संभव नहीं है इसलिए कह सकते हैं कि अत अत ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं होगा चतुर्भुज ही नहीं होगा ठीक है या हम ऐसे भी लिख सकते हैं चारों बिंदुओं को लिखे चारों बिंदुओं को लिखे कि बिंदु इतना 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 चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है या इनसे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा ऐसे भी आप लिख सकते हैं समझ गए ना चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए का। मान लेते हैं कि माना ए चार पांच बी सात कौमा चार कौमा तीन और डी एक कौमा दो चार बिंदु हैं ठीक है अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ दूरी से तो लिख लेते हैं क्या होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ये ना होता है जी चलिए अब इसी के अनुसार यहां पर चलते हैं ये भी निकालते हैं सबसे पहले यहां हो जाएगा सात माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस छ माइनस पांच का होल स्क्वायर अंदर क्या आ जाएगा यहां पर तीन का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर तो हो जाएगा नौ और प्लस एक तो रूट दस आ जाएगा बी सी निकालते बी सी बी और सी तो यहां पर देखो चार माइनस सात का होल स्क्वायर और प्लस में तीन माइनस छ का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस तीन का स्क्वायर और प्लस में माइनस तीन का स्क्वायर तो यहाँ पे नौ प्लस नौ रूट अट्ठारह यानी कहने का मतलब कि आपका आ जाएगा तीन रूट दो निकाई आप अठारह को लिखोगे ना दो गुना तीन गुना तीन तो तीन रूट दो नहीं हो जाएगा चलिए सी डी निकालते हैं तो सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पर एक माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस तीन का होल स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर प्लस में माइनस एक का स्क्वायर नौ प्लस एक वही रूट दस इकाई ठीक है अच्छा अब चलते हैं हम लोग एडी के तरफ एडी निकालते हैं ए और डी यहाँ पर दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा एक माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस पांच का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस तीन का स्क्वायर प्लस में माइनस तीन का स्क्वायर वही आ जाएगा नौ प्लस नौ यानी कि रूट अट्ठारह यानि कहने का मतलब कि तीन रूट दो इकाई आमने सामने की भुजा बराबर हो जा रही है देखो ए बी सी डी के बराबर और बी सी जो है आपके ए डी के बराबर हो अच्छा विकर्ण निकाल के देखते हैं ए सी तो ए सी आपका क्या होगा ए और सी ये रहा हो जाएगा चार माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस में तीन माइनस पांच का होल स्क्वायर ठीक है तो जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर तो, तो जीरो ही हो जाएगा बच जाएगा माइनस दो का स्क्वायर प्लस का चार यानी कि दो ही का ही आ जाएगा अच्छा अब ए सी निकाल दिए तो अब हम लोग क्या निकालते हैं बी डी निकाल लेते हैं देख लेते हैं बी डी क्या होगा बीडी। बी डी ये रहा बी डी तो क्या हो जाएगा आपका एक माइनस सात का होल स्क्वायर और प्लस में दो माइनस छ का होल स्क्वायर ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आ जाएगा माइनस छ और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार तो छत्तीस और चार का स्क्वायर सोलह देख रहे ना माइनस छ का स्क्वायर छत्तीस और चार, चार, चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा सोलह हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका दोनों को जोड़ेंगे तो तो बावन आ जाएगा रूट बावन रूट बावन, बावन यानी कि दो रूट तेरह इकाई ठीक है तो हम देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है ए बी बराबर में सी डी और आपका BC जो है ना AD के बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो रहा तो आमने सामने की बुझा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है समझ गया कोई दिक्कत नहीं है चलते अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो देखो हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष कोई मतलब नहीं है मुझे परिमाप निकालना तो तीनों भुजाएं निकाल कर इसकी जोड़ दूंगा तो हो जाएगा तो मान लेते हैं कि माना ए जिसका निशाक है जीरो कौमा चार बी जिसका निशाक है चार कौमा जीरो और सी जिसका निशाक है दो कौमा माइनस दो तो। समकोण त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है ये हमारे पास दिया हुआ ठीक है तो अब हम लोग यहां पर जो है ना जो दूरी सूत्र लगाएंगे दूरी सूत्र क्या होता है तो रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में y2 टू माइनस वाई वन का होगा चलिए तो इसको लगाते हैं तो पहले ए भी निकालते हैं रूट अंडर फोर माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस में जीरो माइनस फोर का स्क्वायर यही हो जाएगा तो फोर का स्क्वायर प्लस में माइनस फोर का स्क्वायर तो आ जाएगा सिक्सटीन प्लस में सिक्सटीन यानी कि बत्तीस यानी आ जाएगा यहाँ पर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो चार गुना चार गुना दो चाचों का सोलह सोलह गुना बत्तीस यानी कि चार रूट दो निकाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अगला चलते हैं हम लोग बी सी निकाल देते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका दो माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस में माइनस दो माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर प्लस में माइनस दो का स्क्वायर तो चार प्लस चार यानी कि रूट आठ यानी कहने का मतलब दो रूट दो इका कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब ए सी निकाल देते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा ए सी रूट अंडर ए और सी यहां पे दिया है दो माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस में माइनस दो माइनस चार का होल स्क्वायर तो यहाँ पर दो का स्क्वायर और यहाँ माइनस छ का स्क्वायर तो दो का स्क्वायर चार और यहाँ पर माइनस छ का स्क्वायर प्लस का छत्तीस यानी रूट चालीस हो जाएगा इसे हम लोग लिख सकते हैं दो गुना दो गुना दस दस का चालीस हो जाएगा यानी कि दो रूट दस हो जाएगा यहाँ से दो रूट दस मात्र हमें क्या निकलना है त्रिभुज ए बी सी जो बन रहा है उसका परिमाप तो वो तीनों भुजा के योग के बराबर हो जाएगा यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर तो ए बी है चार रूट दो बी सी है आपका दो रूट दो और ये है आपका दो रूट दस यानी यहां से सबको जोड़ देते हैं यहां पर तो देखो ये दोनों मिलके छ रूट दो और प्लस में दो रूट दस यही ना होगा अच्छा यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं दो तो यहाँ तीन रूट दो और प्लस में रूट दस इकाई ये ना बच जाएगा समझ गए क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो तीन बिंदु दी गए हैं ये संरेख है तो संरेख के लिए मैंने दूरी सूत्र के आधार पर आपको बता रखा है वैसे क्षेत्रफल के आधार पर भी होता है जिसको हम लोग आगे बात करेंगे पहले हम लोग दूरी सूत्र के आधार पर इसे साबित करेंगे तो मान लेते हैं चेक करेंगे मान लेते हैं कि ए जिसका निशांक है एक कॉमा पांच बी जिसका निशाक है दो कॉमा तीन तथा सी जिसका निशांक है माइनस दो कॉमा माइनस ग्यारह तीन हैं, ठीक है ये हम लोग मान लेते हैं कि तीन हैं, ठीक है चलिए, तो हम लोग अब यहां दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैंने बता रखा है ना जी संरेख दिखाने के लिए कैसे करना है दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यही ना करेंगे चलिए हम लोग ए निकालते हैं पहले हम लोग ए बी बी सी और ए सी निकाल लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे चलिए देखते हैं तो दो माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस में तीन माइनस पांच का होल स्क्वायर ये ना हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर तो यहां पर आ जाएगा एक प्लस चार यानी कि रूट पांच ही का ही ठीक है अब निकालते हैं बी सी बी से सी के बीच की दूरी माइनस दो माइनस दो का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस ग्यारह माइनस तीन का होल स्क्वायर तो यहाँ माइनस चार का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस चौदह का होल स्क्वायर तो यहाँ सोलह और यहाँ एक सौ छियानवे तो यहाँ रूट अंडर दो सौ बारह आ जाएगा दो सौ बारह का मतलब हो गया यहाँ पर दो रूट फिफ्टी थ्री इकाई ठीक है चलिए अब देखो ए सी निकाल लेते ए सी निकालेंगे तो ए और ए सी रहा तो माइनस दो माइनस एक का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस ग्यारह माइनस पांच का होल स्क्वायर यही ना हो जाएगा तो यहां आ जाएगा माइनस तीन और यहां आ जाएगा माइनस का सोलह माइनस तीन का स्क्वायर प्लस का नौ और माइनस सोलह का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं है? इन दोनों को जोर देते हैं समझ गए ना तो क्या आ जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से रूट अंडर दो सौ ठीक है, ठीक है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये दो छोटी वाली जो भुजाएं हो रही हैं यानी ए बी और बी सी जो हो रहा है इन दोनों का योग इन दोनों रेखाखंडों का योग ये तीसरी रेखाखंड के बराबर नहीं हो रहा है इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं हो रहा है इसलिए कह सकते हैं कि ए बी तथा सी सनरेख नहीं है समझ रहे ना क्यों क्योंकि अगर सनरेख होता तो समझो हो यहां पे अगर मैं एक ही रेखा पर तीनों बिंदु को इस तरह से दे दूं तो इसका और इसका योग इसके बराबर होगा कि नहीं बिल्कुल होगा है ना होगा ना ए बी प्लस बी सी जोड़ने पे ए सी के बराबर बिल्कुल आएगा क्योंकि अगर बी कहीं और होता ना तो देख लो मान लो बी यहाँ ना होके यहाँ ले लेते हैं तो हम लोग ए बी और अगर बी सी को जोड़ेंगे तो क्या वो कभी ए सी के बराबर होगा नहीं ना हो पाएगा एक नहीं तो यही यहाँ कंडीशन फॉलो कर रहा है ए बी और बी सी का योग AC के बराबर नहीं हो रहा है इसलिए सनेक नहीं है सनेक होने के लिए इन दोनों का योग इसके बराबर होना ही चाहिए समझ गए चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर भारती भवन रवि कांत सर और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में देंगे इससे रिलेटेड नोट्स करिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे डब्ल्यू 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 डॉट रविकांत सर डॉट इन और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं